हरियाणा का मेवात जल रहा है, भड़के चंद्रशेखर आजाद, दे दिया है बड़ा बयान। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, मेवात नू में एक हिंसा भड़क गई है दो विशेष समुदायों के बीच। आपको मालूम होगा कि एक भगवा यात्रा निकाली जा रही थी एक विशेष समुदाय के द्वारा, हिंदू धर्म के द्वारा, उसके ऊपर नू इलाके में कुछ पत्थरबाजी करी गई एक विशेष समुदाय के द्वारा, जिसके बाद वहाँ का जो दोस्तों स्थिति है बहुत ख़राब हो गई और दो समुदाय के बीच की झड़प एक हिंसा का रूप ले लिया है। और अब मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद हो नू मेवात में अब इंटरनेट बंद कर दिया गया है, इंटरनेट सुविधा बंद कर दी गई है। इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद का एक बड़ा बयान आया है। चंद्रशेखर आज़ाद जी लिखते हैं, नू हिंसा का जिम्मेदार हर वो शख्स है जो इंसानियत और मानववाद से ऊपर उठकर जाति धर्म और मजहब को मानता है। क्या फ़ायदा है ऐसी धार्मिकता का जो अवन परस्ती की जगह खून खराबा और हिंसा पर टिकी हो। भारत भगवान बुद्ध, गुरु नानक जी, सतगुरु रविदास जी, गुरु कबीर जी की धरती है, यहाँ हिंसा की कोई जगह नहीं है। देश का सामाजिक सौहार्द खराब करने के पीछे कौन सी ताकतें हैं हम जानते हैं, लेकिन मैं हरियाणा वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी उन्मादी के बहकावे में न आए। ये देश सबका है और यह आपसी प्रेम भाईचारा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आज जी ने बता दिया है कि इस हिंसा के पीछे कौन लोग हैं, और आप भी समझ गए होंगे कौन लोग हैं, तो नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हो कि कौन लोग हैं इस हिंसा के पीछे। और दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि हमें सौहार्द बना के रखना है, आपसी प्रेम चारा भाईचारा बना के रखना है। तो आप भी नीचे कमेंट कीजिए, क्या भारत में हिंसा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए।